उत्तर प्रदेश में अपराध की खबरें आना अब आम बात हो गई है। यहाँ हर रोज किसी न किसी जनपद से हत्या, लूट और दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच जनपद मैनपुरी से हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद लोगों की रूह कांप गई। मामला ऐसा कि जिसे सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोई व्यक्ति अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दिल दहला देने वाला ये मामला मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के गाँव सलीमपुर से सामने आया है, जहाँ आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई को घर में रखी धारदार कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद घर के बाहर नल की बोरिंग में 10 फीट नीचे दफना दिया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक की पत्नी अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई। वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मृतक की पत्नी को अपने देवर यानी मृतक के भाई पर शक हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने आरोपी देवर से पति के बारे में पूछा तो उसने नशे में अपने द्वारा की गई पूरी घटना अपनी भाभी को बता दी। उसने बताया कि बीते दिन झगड़े के बाद उसने भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला और घर में पहले से ही खुद ही पड़ी नल की बोरिंग में दफन कर दिया। वहीं घटना के बारे में बताते हुए आरोपी ने क्या कुछ कहा सुनिए। अकेले ही कर लिया सब काम, बोरिंग भर के डाली है, ऐसे ही डाल दी ऐसे ही। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगा हमारा सगा भाई है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप इनकी पत्नी भी साथ में थी आपकी? पत्नी को हाथ नहीं, शादी में नहीं। मृतक की पत्नी तुम्हारे साथ में थी मारने में? आप अकेले थे? ये कहाँ गई थी पत्नी? कहाँ गई थी? वहाँ गई थी, कालों में मिली, कालों में मिल गई है, वो तो चली। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है, कब की थी ये? एक बजे रात में। ये गड्ढा कैसे खोदा इतना गहरा? ये गड्ढा है, इसमें नल लगा था तो नल का गड्ढा खुदा रह गया और पक्का कर दिया, उसको ऊपर से फाड़ दिया था, पत्थर पत्थर ऊपर। किससे मारा है? मारा किससे है? किससे मारा है? लाड़ी कहाँ है? रखी है, काय में मारी थी? सर में या कहीं और? सर में मारी है, यहाँ भी लग गई है, यहाँ भी लग गई है। कितने बार मारा था? कितनी कुल्हाड़ी मारी थी? तीन चार कुल्हाड़ी मारी, तीन चार कुल्हाड़ी भी खत्म हो गए थे। मरने के बाद तुमने गड्ढे में डाला या पहले ही डाल दिया था? नहीं नहीं, मरने के बाद। वहीं पूरी घटना जानने के बाद मृतक की पत्नी तत्काल थाने पहुंची और पुलिस को उसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भाई को पकड़ लिया। साथ ही उसके निशानदेही पर जब गड्ढे को खुदवाया गया और शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दौरान आरोपी ने खुद पुलिस के सामने अपने बड़े भाई नक्सेलाल की हत्या का गुनाह कबूल किया। देखिए, थाना कुरावली के सलेमपुर गांव में ये मुनक्का देवी हैं, इन्होंने आज सूचना दी है इनके पति नक्सेलाल की इनके देवर सत्यभान ने कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी है, उसका शव नल की बोरिंग के गड्ढे में दबा दिया है। और ये घटना 25 तारीख को हुई थी रात में, जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, इसके बाद से वो नक्सेलाल गायब था। और आज जब उसने पूछा उसकी पत्नी ने तो पूरी बात उसने बताई। इस सूचना पर तत्काल थाना कुरावली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो शव है जहां पर गड़ा होना बताया गया था वहां से शव को नियमानुसार उसको निकाला गया है और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से अफाक अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।